वेलकम स्टूडेंट्स, आज टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी का अंतिम जो चैप्टर है फ्रूट का स्टडी करेंगे। इससे पहले अपन ने फ्लावर की सारी टर्मिनोलॉजी स्टडी किया है। फल जो है वो उसका या पादप का अति महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यह बीजों को धारण करता है और एडिबल पार्ट होता है, जो कि काफ़ी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। यहाँ पे टैक्सोनॉमिकली फ्रूट क्या होता है इसको अपन पढ़ेंगे। वैसे टैक्सोनॉमी में चाहे वो वेजिटेबल हो या जो भी एडिबल फ्रूट है या ह्यूमन के लिए एडिबल नहीं भी है, वो सभी फ्रूट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन फल की परिभाषा पढ़ते हैं कि फल क्या होता है। वास्तव में फल है वो परिपक्व अंडाशय होता है। फ्रूट इज द मैच्योर एंड राइपन्ड ओवरी, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। और पुष्प में जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम का जो पार्ट जिसे अपन कार्पल कहते हैं या पिस्टिल, और उसमें जो बेसल सोलन पार्ट ओवेरी होती है, वो पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो मैच्योर होती है और धीरे धीरे उसमें एक ओवरी के अंदर जो थ्री पार्ट होते हैं जैसे कि परिपक्व अंडाशय है और ये स्टिग्मा स्टाइल झड़ जाते हैं। और इस अंडाशय का अगर एलएस काटते हैं तो इसके अंदर देखिए जैसे कि ये ओवरी वाल है, ये ओवरी वाल है, इसके अंदर प्लेसेंटा में ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं और ये पूरा ओवरी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैच्योरेशन के बाद पूरी ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ओवरी की वाल जो है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट होती है, जिसे अपन पेरिकार्प फल भित्ति कहते हैं। और फल भित्ति भी तीन प्रकार के होते हैं। इसके बाद में प्लेसेंटे में जो भी ओव्यूल्स लगे रहते हैं, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर होने के बाद ये ओव्यूल है वो सीड्स में कन्वर्ट होते हैं, बीजों में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे अपन फल के अंतर्गत पेरिकार्प और सीड का भी इसमें स्टडी करते हैं। और फल भित्ति कितने प्रकार की होती है, इसके अलावा फल भित्ति जो होती है, जो भी एडिबल फ्रूट है उसमें फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है फ्रूट का, उसको अपन देखेंगे और बीज के बारे में। तो ये जो दो टर्म है, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। सत्य फल जो है, कोई भी फल जो गाइनोसियम के ओवरी से विकसित होता है, यानी अंडाशय से विकसित होने वाला जो फल है, पुष्प के अंडाशय से विकसित होने वाला, वो सत्य फल कहलाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इसमें कि वास्तविक जो फ्रूट होता है, जो ओवरी से डेवलप होता है, वो या तो हाईली रिड्यूस्ड होता है या वो एडिबल नहीं होता है। और उसके अलावा पुष्प के जो दूसरे भाग हैं जिसमें पेटल्स है या थैलामस है या होल इन्फ्लोरेसेंस या जो भी है, वो भी एडिबल होते हैं। तो किसी पुष्प में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के भागों से विकसित होने वाला जो फल है, उसे अपन फॉल्स फ्रूट या आवासीय फल कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो पोम है। पोम जो होता है, ये एप्पल का फ्रूट है। एप्पल के अंदर एडिबल पार्ट होता है वो थैलामस होता है। इसमें एडिबल क्या है, थैलामस। पुष्प का पुष्पासन जो होता है वो एडिबल होता है और ये पोम कहलाता है। आपके प्रैक्टिकल में भी स्पॉटिंग में हम रखते हैं और उसमें ये आवासीय फल है और उसमें खाने योग्य भाग है वो थैलामस होता है। ये दो इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या होता है, इस पर डिस्कस कर लिया। इसके अलावा फ्रूट के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी में जो चेंजेज आ रहे हैं, पूरी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ओवरी वाल है वो फ्रूट वाल में कन्वर्ट होती है। फ्रूट वाल को फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। और ओव्यूल्स जो है बीजांड, वो बीज में परिवर्तित होते हैं। इसलिए बीज की जो परिभाषा जो है वो अपन एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे कि सीड इज द फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ ओव्यूल, बीज बीजांड का निश्चित उत्पाद होता है। ये बीज की परिभाषा है। और बीज के अंतर्गत फिर बीज सीड कोट होते हैं और कोटिलीडन होते हैं और एंडोस्पर्म में, वो एम्ब्रियोलॉजी में डिटेल पढ़ेंगे। पेरिकार्प की अगर बात करेंगे, पेरिकार्प फल भित्ति होती है। यहाँ पे फल भित्ति के अंतर्गत तीन परतें पाई जाती हैं, आउटर, मिडल और इनर। आउटर जो फल भित्ति होती है उसे एपिकार्प कहते हैं। एपिकार्प है पाइन फल भित्ति। और मिडल है जिसको मीजोकार्प कहते हैं, मध्य फल भित्ति। और इनर है वो एंडोकार्प, जिसे अंतर फल भित्ति कहते हैं। और जो भी फल है उसमें सभी में अलग अलग फल भित्तियाँ खाने योग्य होती है। और कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें अपन संपूर्ण
जो ओवरी पेरिकार्प को अपन खाते हैं, और कहीं कहीं जैसे एपिकार्प के अलावा मेसोकार्प एडिबल होती है, कहीं एंडोकार्प एडिबल होती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फ्रूट्स है जिसमें एडिबल पार्ट क्या है फल का, वो आपको याद रखना है। और रेयर केस में फल विधि के अलावा रेयर केस में जैसे कोकोनट जो होता है नारियल, उसमें जो एडिबल पार्ट है वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म जो उसमें खाया जाता है उसमें एपिकार्प मेसोकार्प और एंडोकार्प, यानी पूरी पेरिकार्प एडिबल नहीं है, और नारियल में एंडोस्पर्म जिसे अपन ब्रून पोस्ट कहते हैं वो खाया जाता है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, कोकोनट में एडिबल पार्ट क्या है फ्रूट में और आवासीय फल का उदाहरण क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से अलग हैं। अब अपन फ्रूट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। वैसे फ्रूट का क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा है और उसके अंतर्गत अपन सबसे पहले उसका एक चार्ट पढ़ेंगे, सिंपल जो उसका ब्रॉड हेडिंग है, और उसके बाद में फिर उसमें पर्टिकुलर फ्रूट का टाइप क्या है उसको अपन उदाहरण के साथ में चित्र बना के उसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी फल हैं उनको तीन भागों में ब्रॉडली डिवाइड किए जाते हैं। एक सिंपल फ्रूट से एकल फल, एकल फल वो होते हैं जो सिंगल ओवरी से विकसित होते हैं, सिंगल ओवरी से विकसित होते हैं, ये सिंगल ओवरी या पिस्टिल से विकसित होते हैं, या तो किसी पुष्प में कार्पल या पिस्टिल एक ही है, या फिर जो पिस्टिल है वो सिर्फ कार्पस है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर मान लो किसी पुष्प में जो गाइनोसी में उसमें कार्पल्स है वो 5 है लेकिन वो आपस में जुड़े हुए सिन कार्पस है, तो विजिबल यूनिट जो है वो पिस्टिल है वो एक ही कहलाएगी। तो उस केस में सिन कार्पस गाइनोसीम के केस में जब पिस्टिल एक दिखती है उससे विकसित होने वाला फल है वो सिंपल फल कहलाता है, एकल फल, यानी कि एक पुष्प के अंडाशय से एक फल ही विकसित होगा। दूसरा एग्रीगेट फ्रूट्स है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पुष्प तो एक ही है परंतु यहाँ पे ओवरी जो है यानी जो गाइनोसीम है वो मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टी कार्पुलरी और एपोकार्पस, बहुअंडपी युक्तांडपी अंडाशय से विकसित होने वाले फल। अगर किसी पुष्प में इफ देर आर मेनी कार्पल्स एंड और कार्पल्स आर फ्री देन इच कार्पल या इच पिस्टिल विल कन्वर्ट इनटू अ सिंगल फ्रूट, तो उस केस में वहां पे एक ही पुष्प से विकसित होते हैं तो एक ही स्टॉक से आपको यहाँ पे फलों का पुंज यानी एग्रीगेशन आपको दिखाई देगा, तो इसलिए ये एग्रीगेट फ्रूट्स कहलाते हैं। यहाँ पे एक ही पुष्प के मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से विकसित होते हैं। अब यहाँ पे ये वापस अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये अपन बाद में देखते हैं। फिर तीसरा जो है मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, संक्रांतिक फल मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट है, यहाँ पे अलग अलग फ्लावर है, फ्लावर एक नहीं है, अलग अलग फ्लावर है लेकिन पुष्प क्रम एक है, तो एक पुष्प क्रम के एक से अधिक जो फ्लावर्स हैं उनके ओवरी से विकसित होने वाला फल है, जिसमें उसका रेचिला भी इंक्लूड हो सकता है या होल इन्फ्लोरेसेंस इंक्लूड हो सकता है, तो वो कहलाता है मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट कहलाता है। अब उसमें देखिए सेकेंड, ये तो तीन मेजर टाइप हो गए, अब उसके अंदर सब डिवीजन अपन देखते हैं। सिंपल फ्रूट के अंदर तीन सब डिवीजन है, सबसे पहला डिसेंट फ्रूट, एकल फल तो है जो सिंगल पिस्टिल से विकसित हुआ है लेकिन वो पहला है डिसेंट फ्रूट यानी कि स्पुटनसिल फल है, एकल फल जो किसी विशेष प्रकार की विधि से उसमें फ्रूट के मैच्योर होने के बाद जब पुष्प फल जब परिपक्व हो जाता है सूख जाता है उसके बाद में उसके अंदर एक विशेष मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा वो स्फुटन होता है। देखिए यहाँ पे स्प्लिटिंग और स्फुटन दोनों में फर्क है। स्फुटनशील फल वो होते हैं जिसमें एक विधि से फ्रूट वाल के स्फुटन के पश्चात बीज है वो फल से अलग होंगे तो वो कहलाएंगे स्फुटनशील फल। एक स्प्लिटिंग फ्रूट होते हैं जिसमें फ्रूट है वो टूट तो है, अलग अलग स्प्लिट होता है अलग अलग भागों में लेकिन बीज है वो बाहर नहीं निकलता है,
डेसेंट फ्रूट जो है स्पुटन से फल है, वो अलग अलग स्पुटन विधियों से उसमें स्पुटन होता है, और फिर ये कौन कौन से स्पुटन से फल है वो अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल अपन देखेंगे, अलग अलग प्रकार है। दूसरा प्रकार है साइजोकार्पेट, इसको हिंदी में कहते हैं विदुर फल। विदुर फल जो है, विदुर फल ये स्पुटन सेल और अस्पुटन सेल के बीच के फ्रूट हैं, और ये इसमें बीज जो है वो फल से अलग नहीं होता है, बल्कि फल के टूटने के बाद या फल है वो अलग अलग खंडों में विभक्त होते हैं, स्प्लिट होते हैं, और प्रत्येक जो पार्ट है उसमें एक एक सील होता है, तो वो साइजोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। ये डेसेंट और इनडेसेंट के मध्य का इंटरमीडिएट सिंपल फ्रूट है। तीसरा इनडेसेंट है, इनडेसेंट का मतलब अस्पुटन सेल फल, फल के परिपक्व होने के बाद इसमें से बीज है वो नहीं बिखरते हैं, वैसा का वैसा बना रहता है, और ये अस्पुटन सेल फल कहलाते हैं। परंतु ये भी अगेन दो प्रकार के होते हैं, एक ड्राई इनडेसेंट फल, शुष्क अस्पुटन सेल फल, और दूसरा फ्लैसी इनडेसेंट फ्रूट, यानी कि सरस अस्पुटन सेल फल, शुष्क अस्पुटन सेल फल और सरस अस्पुटन सेल फल। तो ये सेकंड लेवल का क्लासिफिकेशन जो है, इसमें आपको सिंपल फ्रूट में डेसेंट, साइजोकार्पिक और इंडेसेंट, इंडेसेंट में ड्राई और फ्लैश फ्रूट है। अब अपन एनिमेट फ्रूट की बात करते हैं, जो मल्टीकार्प है, एक्टोकार्पस ऑविस से विकसित होता है। यहाँ पे जो फलों का पुंज है उसको अपन इटीरियो नाम देंगे, जो पूरा पुंज है इटीरियो। तो इटीरियो जो है वो किस प्रकार से है, जैसे कि इटीरियो एकिंस, अगर एकल फलों का पुंज है जिसमें प्रत्येक फल में एक ही बीज है तो वो एकिंग कहलाएगा, लेकिन उसमें अनेकों फ्रूट साथ में है इसलिए उसको इटीरियो कहते हैं, पुंज कहते हैं, तो इटीरियो एकिंस कहलाता है। ये रेनर पुरुष में पाया जाता है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा इटीरियो फॉलिकल्स है, फॉलिकल जो एक सिंपल फॉलिकल जो स्पुटन सेल फल है वो डेसेंट फ्रूट है, आपके डेसेंट फ्रूट फॉलिकल, लेकिन फॉलिकल का जो पुंज होता है, फॉलिकल का पुंज जिसे इटीरियो फॉलिकल्स कहते हैं। इसके बाद इटीरियो ड्रूप्स है, जिसे ड्रूप यानी अस्टिल फल, जिसकी पेरिकार्प काफी कठोर होती है वो ड्रूप होता है, ड्रूप है वो इसमें आता है, प्लस इंडेसेंट फ्रूट आता है, लेकिन ये इटीरियो ड्रूप्स जो रूबस वगैरह बेरी में होता है, और इटीरियो बेरी जो होता है, इटीरियो ऑफ बेरीज, जैसे इसमें सरस फलों का पुंज जैसे कहते हैं, पॉलीएल्थिया और उसमें ये पाया जाता है। इसके बाद में फिर मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट की बात करते हैं, जिसमें अनेकों पुष्प या होल इन्फ्लोरेसेंस से ये फल का निर्माण होता है, और उसमें दो टाइप है, एक सोरोसिस है और दूसरा साइकोनियम। ये साइकोनियम है उसको साइकोनस भी कहते हैं, इसको साइकोनस भी कहते हैं, साइकोनस और साइकोनियम एक ही है, और दूसरा सोरोसिस है। सोरोसिस जो होता है ये पूरे इन्फ्लोरेसेंस से विकसित होता है, जैसे कि मोरस में, मोरस एल्बा, सहतूत का जो फल होता है पूरा सहतूत, वो सोरोसिस कहलाता है, और साइकोनियम जो होता है वो अंजीर का फ्रूट होता है, इसका एग्जांपल अंजीर फीग है, और फीग के अंदर अपने पुष्पकण पड़ा है वो कौन सा पाया जाता है, हाइपेथोडियम, हाइपेथोडियम। तो हाइपेथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होने वाला जो फल है वो कहलाता है साइकोनियम। तो उसके अंदर एक अर्न शेप स्ट्रक्चर, इसमें ऑस्टियोल पाया जाता है, और इनर साइड में अनेकों फ्रूट्स होते हैं फ्लावर, तो उनसे विकसित होने वाला फ्रूट है वो साइकोनियम कहलाता है, तो वो फीग है, हाइपेथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से विकसित होने वाला। तो ये सेकंड लेवल का आपके क्लासिफिकेशन हो गया है। अब अपन प्रत्येक के अंदर उसका टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे ये तो लगभग हो ही गया है, उसमें हमने उदाहरण भी देख लिया दोनों टाइप में, लेकिन ये जो सिंपल फ्रूट है इसका क्लासिफिकेशन काफी डिटेल है। सबसे पहले डेसेंट फ्रूट की जब अपन बात करते हैं, इसके कुछ कैटेगरी अपन ले लेते हैं, फिर डायग्राम और उदाहरण बाद में पढ़ेंगे। और सबसे पहला डेसेंट फ्रूट की जब अपन बात करते हैं, तो इसमें फॉलिकल होता है, फॉलिकल, इसके अलावा कैप्सूल होता है, लोमेंटम होता है। हालांकि लोमेंटम फ्रूट है उसको कभी कभार साइजोकार्पिक फ्रूट में भी काउंट किया जाता है, और इसके बाद में सिलिकुआ है, फिर सिलिकुला है, सिलिकुआ और
सिलिकुआ, सिलिकुआ और सिलिकुला, ये इम्पोर्टेंट जो है आपके फॉलिंग फ्रूट्स जो है वो एक लेग्यूम जिसे अपन लेग्यूम या सेवन पोड कहते हैं, लेग्यूम या पोड, ये लेग्यूमेसी फैमिली का फ्रूट है। और इसके बाद में फिर साइजोकार्पिक फ्रूट की अपन बात करते हैं। साइजोकार्पिक के अंतर्गत क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प फ्रूट जो होता है, क्रीमोकार्प ये अम्बेलीफेरी का होता है क्रीमोकार्प। इसके बाद में समारा होता है जिसमें सिंगल समारा है, सिंगल समारा, फिर डबल समारा, सिंगल समारा, डबल समारा और एक रेगमा। ये जो रेगमा है वो कैस्टर का सीड होता है, फ्रूट होता है अरंडी का, तो वो रेगमा कहलाता है। क्रीमोकार्प, सिंगल समारा, डबल समारा और रेगमा। तो ये एक कार्सेरुलस और होता है, पांचवा है कार्सेरुलस। कार्सेरुलस होता है ये लेबियटी का तुलसी फूल का फ्रूट होता है। इसके बाद में फिर अपन इंडेसेंट की बात करते हैं। इंडेसेंट में दो है, पहले ड्राई इंडेसेंट है, ड्राई इंडेसेंट। ड्राई इंडेसेंट में पहला आपका एकिन है, एकिन, इसके अलावा नट है, एक अट्रिकल है और इसी प्रकार से डेसेंट, इंडेसेंट फ्लैसी। और ये ड्राई है, इंडेसेंट फ्लैसी में इसके अंतर्गत बेरी है, ड्रूप है, बेरी और ड्रूप है। इसके अलावा पीपो है, ये पीपो फ्रूट जो है ये कुकुरबिटेसी का फल होता है, उसको पीपो कहते हैं। इसके बाद में सिट्रस का हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम और एक पोम, पोम जो है जो अपने पहले फॉल्स फ्रूट में एप्पल का दिखा वो पोम है। तो पोम, हेस्पेरिडियम, पीपो, ड्रूप, बेरी, इसमें ड्राई में एकिन, नट, अट्रिकल, एक कैरियोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम आता है। जो ग्रासेस का जो फ्रूट होता है या सीरियल का, सीरियल का जो फ्रूट होता है वीट, कॉर्न वगैरह, कैरियोसिस कहलाता है। तो ये सारे जो अलग अलग प्रकार के आपके फ्रूट है, एक बेलोस्टा और होता है, बेलोस्टा, इसमें एक सिप्सेला, सिप्सेला और यहां पे बेलोस्टा, बेलोस्टा। ये देखिए ये सारे सिंपल फ्रूट के प्रकार हो गए, छह प्रकार का इसमें है। पहला पॉलिकल, फिर कैप्सूल, लोमेंटम, सिलिकुआ एंड सिलिकुला। इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद में लेग्यूम जिसे अपन पोड कहते हैं, फली। तो छह टाइप के लिए पड़ेंगे। इसके बाद में फिर साइजोकार्पिक जो दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है, क्रीमोकार्प अम्बेलीफेरी का है, सिंगल समारा और डबल समारा ये अलग अलग है, रेगमा कैस्टर का है और कार्सेरुलस लेबियटी का है। और इसके अलावा फिर अपन इंडेसेंट की बात करेंगे, एकिन होता है और नट होता है, और एकिन जो आपके निलंबक वगैरह में होता है, नट जो होता है वो लीची है, नट में या लीची में उसमें पाया जाता है। अट्रिकल, अट्रिकल जो है वो चिनोपोडियम में पाया जाता है। कैरियोसिस बता दिया सीरियल का है। और सिप्सेला जो होता है, सिप्सेला फ्रूट जो है वो आपके सिप्सेला ये एस्टेरेसी का फ्रूट है, एस्टेरेसी, क्योंकि पहले आपको बताया कि एस्टेरेसी का फ्रूट जो सिप्सेला होता है जो इन्फीरियर ओवरी से विकसित होता है और इसके ऊपर पेपर्स पाए जाते हैं, फ्रूट के ऊपर परसिस्टेंट सेपल जो पेपर्स पाए जाते हैं वो सिप्सेला है, ये इन्फीरियर ओवरी से विकसित होता है। और एक जो ये क्रीमोकार्प है, अम्बेलीफेरी का, वो भी इन्फीरियर
कॉग्निस विकसित होता है। इसके बाद में फिर फ्लैसी इंडेसेंट में बेरी फ्रूट जो होता है जैसे टोमेटो वगैरह सोलेनेसी का मिर्च टोमेटो ये सब पैगन ड्रूप जो होता है वो अस्टिल फल होता है जो कि मैंगो है पीपो कुकरबिटेसी का है एस्पेरिडियम सिट्रस ऑरेंज लेमन और पोम एप्पल का है और बेलोस्टा बेलोस्टा पोम ग्रेनेट जो अनार होती है अनार के अंदर और ये आपका एग्जाम में आता है इसमें अनार के अंदर जो अनार दाना होता है और उसमें खाने योग्य भाग क्या होता है उसका जूसी सीड टेस्ट ये अपन आगे एडिबल पार्ट में देखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं लेकिन एग्जाम के हिसाब से इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो आपको इसमें जैसे क्रीमोकार्प को चित्र से पढ़ना है सिलिकुआ सिलिकुला में डिफरेंस क्या होता है और इसके बाद में फिर ये कैरियोप्सिस है और यहाँ पे एस्पेरिडियम और पोम ये दो ये हैं और एक पीपो। तो ये क्लासिफिकेशन जो है फ्रूट का वहाँ तक अपन ने स्टडी किया है और बाकी सिंपल की बात एग्रीगेट और कंपोजिट में आपको पहले बता दिया गया है अब अपन उदाहरण के साथ उसको चित्र बना के नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही थैंक यू वेरी मच ओके।